त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर सरपंच संघ की ओर से आज जब भाजपा के पदाधिकारी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने आए तो जिला कलेक्टर ने कहा कि आज छुट्टी के दिन कौन ज्ञापन देता है। तब भाजपा के पदाधिकारी व सरपंच वहीं धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। मौके पर पहुंचे SC/ST सेल के DSP हिमांशु शर्मा ने वार्ता कर प्रधान दीपचंद राहड़ के साथ देपाल सर सरपंच बलवीर ढाका व पीथी सर सरपंच प्रतिनिधि जंगशेर खान ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राहड़ ने बताया कि गाँव में न तो बिजली विभाग का अधिकारी आता है और न ही खाद्य सुरक्षा का काम हो रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर से प्रशासन गाँव के संग अभियान प्रारंभ किया गया है। पंचायत समिति चूरू के अधीनस्थ अब तक 5 ग्राम पंचायतों में कैंपों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें सिर्फ ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टों का ही वितरण किया गया है। इसके अलावा अन्य किसी भी विभाग द्वारा आम जन के किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाद, पूर्व जिला अध्यक्ष वासुदेव चावला आदि मौजूद रहे। ये कि हमारे लिए संघर्ष कर रहे जंगल में नाचा मोर किसने देखा, ये देख रहे हैं ना, अभी भी तो देख रहे हैं। आज अगर कभी नहीं गए तो आप ये बताओ कि अगर फोटो इनके ऑफिस के अंदर नहीं खींचेंगे, नहीं खींचेंगे फोटो आपको क्यों भाई? सर सुनिए, सर सुनिए, अरे सर सर सुनिए, फोटो की दिक्कत है, नहीं खींचेंगे फोटो। चलो फोटो सर सही मर्जी के बिना नहीं होता। अरे डिप्टी साहब नहीं खींचेंगे फोटो, लेकिन ये पत्रकार है हमारे लोग, हमारे आवाज तो क्या बात कर रहे हैं, वो बात आप आकर के बता दो क्या बात की है। नहीं सर, जाने में क्या दिक्कत है सर? नहीं बताने में क्या दिक्कत है? किसमें अभी तक बता दो सर, अभी तक लोकतंत्र जिंदा है ना सब, ये पब्लिक सर्वे है ना। गाँव के से अभियान हमारी ग्राम 5 ग्राम पंचायतों के अभी तक कैंप हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या दुरुस्त नहीं की। हमारी कलेक्टर साहब के ज्ञापन के द्वारा हम उनको अवगत करवाने के लिए आए हैं कि बिजली विभाग के पास नई पोल है, नहीं उसके पास 100 मीटर तार तक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या दुरुस्त नहीं कर सकते। खाद्य सुरक्षा में नाम एक नाम पात्र व्यक्ति का एक नाम नहीं जोड़ सकते। कृषि विभाग के अंदर जो सोलर कृषि कनेक्शन 2 वर्षों से पेंडिंग पड़े हैं, फिर आवेदन ले रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी सरपंचों ने सर्वसहमति से ये निर्णय लिया गया है कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम धरने पर बैठे हैं और इन कैंपों का बहिष्कार कर रहे हैं। अभी हम ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब से आए, कलेक्टर साहब से हमने इनकार कर दिया, हम चैम्बर के आगे बैठे हैं। क्या इनकार किया, किसने किया? उन्होंने क्या कहा कि आज छुट्टी है तो आप क्यों बैठे हैं, कलेक्टर साहब क्यों बैठे हैं छुट्टी ज्ञापन लेने से? हाँ मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि आज छुट्टी है, हम ज्ञापन नहीं लेंगे। रतनगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में आज बिजली के खंभे टूटने से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। अलग अलग क्षेत्रों में 4 घंटे से लेकर 12 घंटे तक बिजली नदारद रही, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा तथा जरूरी कार्य भी प्रभावित हुए। क्षेत्र के मक्की मस्जिद व रिको औद्योगिक क्षेत्र में लगे बिजली के 2 पोल वाहनों की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मोरी बाजार में बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त होने के कारण टूटकर सामने स्थित एक दुकान पर गिर गया। हालांकि घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बिजली पोल टूटने से मोरी बाजार में लगभग 4 घंटे बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे 200 उपभोक्ता प्रभावित हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे गांधी सप्ताह का समापन समारोह शुक्रवार शाम सरदार शहर के मित्तल महाविद्यालय में आयोजित किया गया। समारोह में गायक शहजाद बियाणी, प्रियांशु गोड एवं क्लॉर्टेन वादक संजू बियाणी की देशभक्ति से लबरेज प्रस्तुतियों ने अतिथियों एवं उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कहा कि समय के साथ महात्मा गांधी के विचार अधिक प्रासंगिक होते जा रहे हैं। महात्मा गांधी वह महापुरुष थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में न केवल हमारे देश का नेतृत्व किया, अपितु उन्होंने अपने अधिकार की लड़ाई के लिए सत्याग्रह के रूप में वह हथियार दिया कि दुनिया में अनेक आंदोलन इस तर्ज पर खड़े हुए और सफलता भी अर्जित की। इस अवसर पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर HR ईशान, गांधी 150 की उपखंड संयोजक मोनिका सैनी, जिला संयोजक दुलाराम सहारण सहित शहर की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अभिव्यक्ति कला प्रशिक्षण संस्थान सीकर द्वारा आयोजित प्रभा खेतान शेखावटी नृत्य शिरोमणि प्रतियोगिता का
प्रथम ऑडिशन आज चूरू में संपन्न हुआ। संस्था सचिव नमिता भारद्वाज ने बताया कि चूरू में कुल 54 प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। ऑडिशन स्थानीय लॉर्ड्स पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया। बालिकाओं ने शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक नृत्य और कंटेम्प्रेरी डांस की अलग अलग विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में निर्णय की भूमिका अनुपमा सक्सेना, डॉक्टर कमल वशिष्ठ व नमिता भारद्वाज ने निभाई। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक नरेश प्रधान, चूरू जिला प्रतिनिधि नरेंद्र शर्मा, सुनील टकनेत सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अभिव्यक्ति कला प्रशिक्षण संस्थान सीकर की तरफ से शेखावटी स्तर पर हम एक नृत्य प्रतिभा खोज का आयोजन कर रहे हैं। उसके ऑडिशंस के लिए हम लोग आज चूरू में आए हुए हैं। ये शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, राजस्थानी लोक और कंटेम्प्रेरी चार मुख्य जो डांस की फॉर्म्स है उसमें जिन बच्चों का इंटरेस्ट है उन्हें हम यहाँ ऑडिशन के माध्यम से चुन के ले जाएंगे और सेकंड राउंड हम इनका सीकर में करेंगे और 7 नवंबर को फाइनल जो राउंड है वो सीकर में होगा, जिसमें जजेस जो हैं वो पद्मश्री गुलाबो और नलिनी कमलिनी, भारतीय ब्रांड एम्बेसडर है आर्ट एंड कल्चर की, कथक डांसर्स, और क्षितिज कुमार जो हमारे राजस्थानी फिल्मों के एक्टर डायरेक्टर हैं। ये लोग फाइनल जो 7 तारीख को, 7 नवंबर को जो सीकर में आयोजन होगा चुनी हुई बच्चियों का, उनका निर्णय उन लोगों के द्वारा हम लोग करवाएंगे। और ये जो सीनियर और जूनियर दो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप से हम एक एक शेखावटी नृत्य शिरोमणि का चुनाव करेंगे। प्रभा खेतान शेखावटी नृत्य शिरोमणि का ये जो खिताब है, जो टाइटल है, ये हम जो विनर बच्ची रहेगी उसको देंगे। और 3 जो प्रतिभागी होंगे, प्रथम 3 दोनों ही वर्गों में, उन्हें हम ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी है वो देंगे। लेकिन जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगी बच्ची उनको हम डांस में स्कॉलरशिप देंगे। जो कहीं भी भारत में जाकर अगर कोई डांस फॉर्म सीखना चाहती है अपने शास्त्रीय और शास्त्रीय नृत्य की, उसके लिए हमारी संस्था उनको स्कॉलरशिप देगी। 1 साल के लिए टाइटल हम उनको देंगे और इसके अलावा ट्रॉफी और दूसरे जो पुरस्कार हैं वो दिए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य हमारा, हमारी जो सांस्कृतिक नृत्य परंपरा है उसको फिर से जीवंत करना है। और चूरू में आके मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है जिसका जो जन्म है वो चूरू जिले का है। तो कहीं ना कहीं शेखावटी की और विशेष रूप से चूरू की जिम्मेदारी भी ये बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने उत्तर भारत के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं और बच्चियां जो परिचित नहीं है इस डांस फॉर्म से उन्हें हम परिचित। राजल देसर के निकटवर्ती गांव कुसुम देसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में नव सृजित संकाय कृषि विज्ञान के लिए अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण के लिए भामाशाह ने आज आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में संस्था प्रधान सुल्तान सिंह भीचर की प्रेरणा से गांव के 4 भामाशाह वीरेंद्र राठौड़ पुत्र स्वर्गीय ऋषपाल सिंह, भगवानी देवी पत्नी स्वर्गीय नाथाराम बांगड़वा, भोलाराम भीचर पुत्र स्वर्गीय उमाराम एवं संस्था प्रधान सुल्तान सिंह भीचर द्वारा 3-3 लाख रुपए के चेक स्कूल स्टाफ व SDMC सदस्यों की उपस्थिति में सचिव इंद्रचंद कड़वासरा को प्रदान किए गए। साथ ही विजेंद्र सिंह राठौड़ द्वारा स्कूलों में पूर्वजों की स्मृति में पेयजल टंकी के जीर्णोद्धार के लिए 31,500 रुपए प्रदान किए गए। चूरू की मैरी गोल्ड वर्ल्ड स्कूल में आज भारत विकास परिषद महिला इकाई की ओर से आयोजित गुरु वंदन छात्र अभिनंदन समारोह में अतिथियों ने 14 विद्यार्थियों व 9 शिक्षकों को प्रतीक चिन्ह व प्रमाण देकर सम्मानित किया। परिषद की महिला प्रमुख वीणा शर्मा ने कहा कि गुरु के बिना विद्यार्थियों का ज्ञान अधूरा है। गुरु ही एक बच्चे का सामाजिक विकास करता है। एक बच्चे को अपने माता पिता के अलावा एक गुरु से अच्छे संस्कार मिलते हैं। परिषद के अध्यक्ष उमेश चंद्र चौहान ने कहा कि विद्यार्थी को सही ज्ञान एक सच्चा गुरु ही देता है। इस अवसर पर परिषद के जिला अध्यक्ष निरंजन चोटिया, प्रांतीय प्रतिनिधि हुकुम चंद गोड़, महिला इकाई की लवली चौधरी आदि मौजूद रहे। वंदे मातरम। भारत विकास परिषद प्रत्येक वर्ष ही गुरु वंदन और छात्र अभिनंदन का कार्यक्रम करता है, तो इसी क्रम में आज ये जो मेरी गोल्ड स्कूल है इसके उत्तम कार्य को देखते हुए और ये इसी स्कूल में ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। और ये वैसे तो भारत की प्राचीन परंपरा है कि गुरु का वंदन और छात्र अभिनंदन जो है किया जाता है, और इसमें संयोग ऐसा भी है कि अभी नवरात्र चल रही हैं
तो जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महा सरस्वती की पूजा की जाती है। और माँ सरस्वती के जो भक्त हैं, ये गुरु और छात्र, उन सभी का हम अभिनंदन कर रहे हैं। और मेरी तरफ से सभी गुरु को और छात्रों को खूब अभिनंदन, गुरु को बहुत वंदन। तारानगर तहसील के गांव सत्यू में चल रहे प्रो कबड्डी सीजन 7 का समापन समारोह शुक्रवार को हुआ। कार्यक्रम में भामाशाह मोहन सिंह गोड़, चंदगी दूत, केसरा राम जांगिड व सुनीता महंत ने विजेता व उप विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिता के आयोजक नवयुवक मंडल के सदस्यों ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता में नरवल अकेडमी प्रथम स्थान पर रहे, जिनको 31,000 रुपए नगद व ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं दूसरे स्थान पर MDU रोहतक रही, जिनको 21,000 नगद व ट्रॉफी प्रदान की गई। इस अवसर पर लेखराम स्वामी, बिजू स्वामी, घनश्याम शर्मा आदि मौजूद रहे। जो बाहर से आए हुए टीम है, हमारी जो कुछ कमियां रह गई हैं, अगर एक दो पॉइंट बता सकते हैं तो मैं उनका आभारी रहूंगा कि हम और क्या अच्छा इम्प्रूव करके और अगली सीजन में क्या अच्छा कर सकते हैं। अच्छा गेम, अच्छा प्रदर्शन किया और आगे इन टीमों में से जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अगर यहाँ से प्रतिभाएँ निकलती हैं तो बहुत अच्छा लगेगा कि ये अमुक खिलाड़ी हमारे गांव में खेल के गया, आज नेशनल और इंटरनेशनल पटल पर है। मंडल साथियों को हम प्रतियोगिता संपन्न होने पे बहुत ही आभार प्रकट कर रहे हैं, इनका धन्यवाद। और इन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन किया, से सारे ग्रामवासी इकट्ठे हुए, 3 दिन तक मैचों का आनंद लिया और आज सब सारी टीमों को शांतिपूर्ण मैच कराते हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को इनाम देकर विभूत किया, तथा गांव की तरफ से तथा टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। खारिया गांव में भी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है, कड़वासर में भी बड़ी प्रतियोगिता हो रही है, कल मैं उनमें जाके आया था। तो अपने गांव से जो 6-7 साल से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये न सिर्फ अपने गांव के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है बल्कि आसपास के जो दूसरे गांव हैं उनको भी ये प्रेरित करने में अपना सहयोग दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इस परंपरागत खेल को जीवित रखने में हमने और ग्रामीण वासियों ने, विशेषकर इस नवयुवक मंडल ने जो अपना सहयोग दिया है, उसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और आगे वो भविष्य में जब भी टूर्नामेंट कराएं, ग्रामीणों का सहयोग उनको बदस्तूर जारी रहेगा। धन्यवाद। चूरू की निकटवर्ती ग्राम पंचायत दूधवा मीठा में आज एकल ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नवयुवक मंडल दूधवा मीठा द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि रणजीत कड़वासरा, विशिष्ट अतिथि रणजीत शोराण व त्रिनेत्र टीवी के CEO डॉक्टर मनोज योगाचार्य ने किया। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 11,000 रुपए व उप विजेता टीम को 5100 रुपए व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। अहमदाबाद में आयोजित 39वीं राष्ट्रीय शूटिंग बॉल चैंपियनशिप सब जूनियर पुरुष वर्ग में उपविजेता रही राजस्थान की टीम के खिलाड़ियों का शुक्रवार की रात विधायक अभिनेश मैशी ने अभिनंदन किया। रतनगढ़ के अंजनी माता मंदिर परिसर में हुए कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत व लगन के साथ खेलते हुए अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। खेल के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देकर न केवल अपने क्षेत्र का बल्कि देश का नाम भी गौरवान्वित कर सकते हैं। इस दौरान 17 वर्षीय पुरुष वर्ग टीम के खिलाड़ियों, टीम मैनेजर गोविंद पवार, कोच कुतुबुद्दीन पठान आदि मौजूद रहे। रतनगढ़ में शहीद राजेंद्र सिंह राठौड़ की स्मृति में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के चौथे दिन शुक्रवार की रात 3 मैच खेले गए। पहला मैच राजास व सुजानगढ़ की टीमों के बीच हुआ, जिसमें राजास ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 106 रन बनाए, जवाब में सुजानगढ़ की टीम 73 रन ही बना पाई। इसी प्रकार दूसरा मैच भामटसर व लाछड़सर के मध्य खेला गया, जिसमें भामटसर की टीम ने टॉस जीतकर निर्धारित ओवरों में 86 रन बनाए, जवाब में लाछड़सर की टीम 65 रनों पर ही सिमट गई। वहीं तीसरा मैच भाटमसर व राजास के बीच खेला गया, जिसमें भाटमसर ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए निर्धारित ओवरों में 104 रन बनाए, जवाब में राजास की टीम 83 रन ही बना पाई। इस मौके पर आयोजन समिति के नितेश हर्षवाल, राजू सिंह, महेंद्र भाट सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू के सिंगी धोरा स्थित सचियाई माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन आज भाजपा चूरू जिला IT संयोजक रमेश शर्मा व श्रुति शर्मा ने
शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना की। मां चंद्र घंटा की जोत लेते हुए शर्मा ने सभी नागरिकों के जीवन से बाधाएं व कष्ट दूर कर साहस और शक्ति के संचार के साथ जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर निर्मल कुमार बैद, राजेश सिंगी, मंजू देवी, विजय कोठारी आदि मौजूद रहे। भादरा स्थित खुबीराम मूर्ति के पास शुक्रवार को आने जाने वाले राहगीरों को झूलेलाल जन्मोत्सव के पर्व पर मीठा शरबत व प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर सिंगी समाज के सुभाष मोहमानी, गुलाब मोहमानी, कमल सहित कई लोगों ने अपनी सेवाएं दी। इसको अलग रूप दिया गया जो कि सेवादारों द्वारा मूर्ति चौक भादरा में मीठा जल मिल्कशेक व प्रसाद झूलेलाल भगवान को भोग लगा करके यहाँ पर प्रसादे में बांटा जा रहा है। सभी सेवादार बड़े ही उत्साह के साथ सेवा कर रहे हैं और झूलेलाल भगवान हमारे इष्टदेव हैं सिंधी समाज के। इनके पर्व पर हर साल ही बड़े बड़े आयोजन होते हैं। निर्माण कार्य की वजह से मंदिर में जगह न होने की वजह से हमने बाजार में ये कार्यक्रम किया है। भगवान झूलेलाल सदैव सबकी रक्षा करे, सभी सेवादारों का भला हो। जय। सरदार शहर की लूणकरणसर रोड पर खुंडिया गांव के पास आज पिकअप व जीप की भिड़ंत में जीप सवार 10 लोग घायल हो गए। घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया गया जहां पर चिकित्सा कर्मियों की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 6 जनों को बीकानेर रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार कीकासर निवासी कुछ लोग जीप में सवार होकर बंधाओ से गाँव की ओर वापस आ रहे थे कि रास्ते में खुंडिया गाँव के पास सामने से आ रही पिकअप से भिड़ंत हो गई। रतनगढ़ तहसील के गांव छोटड़िया में अपने बेटे व पति के साथ खेत गया 60 वर्षीय व्यक्ति आज फांसी के फंदे पर झूल गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मृतक के बेटे शिवरतन की रिपोर्ट पर मरक दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि छोटड़िया निवासी 60 वर्षीय जगमाल दान चारण अपने 21 वर्षीय बेटे शिवरतन एवं पत्नी के साथ खेत गया था जहां बाजरे की फसल की कटाई का कार्य चल रहा था। दोपहर में बेटा व मृतक की पत्नी घर आ गए तथा स्वयं जगमाल दान बाद में आने का कहकर खेत में रुक गया जहाँ पर खेजड़ी के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। छोटड़िया से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने खेत में फांसी खा ली है जिस पर रवाना होकर छोटड़िया पहुंचा जहां पर एक व्यक्ति खेजड़ी के लटका हुआ था। उसके लड़के शिवरतन स्नोप जगमाल दान चारण ने रिपोर्ट दी कि मेरे पिताजी खेत में काम कर रहे थे जो दिन में खेजड़ी से फांसी खाकर आत्महत्या कर ली है जिसकी लाश उतरवा कर रतनगढ़ मोर्चरी रूम में रखी है। पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, जांच जारी है।